3D एनिमेशन सीरीज की लास्ट वीडियो में आपने देखा कि आप ऐसी ब्यूटीफुल एनिमेटेड लव स्टोरी कैसे बना सकते हैं लियोनार्डो AI और पिका लैब्स को यूज करके, और इस वीडियो पर आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, तो उसके लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत थैंक यू। लेकिन साथ ही आप लोगों के बहुत सारे सवाल भी आए थे, जैसे कि सिमिलर कैरेक्टर्स कैसे जनरेट करें लियोनार्डो AI में जिससे कि स्टोरी रेलेवेंट लगे, और साथ ही पिका लैब्स में आप लोगों को बहुत इशू आ रहा था वीडियो क्रिएट करने में। तो आज की वीडियो में आपको सारे सवालों का जवाब भी मिलेगा, और साथ ही साथ आपको ये भी बताऊंगा कि आप कैसे इस तरह की एक थ्रिलिंग और सस्पेंस से भरपूर हॉरर एनिमेटेड स्टोरी बना सकते हैं सिर्फ 4 सिंपल स्टेप्स में। और इसके साथ ही आप लोगों के लिए है एक गुड न्यूज़ जो आप में से बहुत लोग सुनकर खुश हो जाएंगे। ट्रस्ट में आपका दिल गार्डन गार्डन होने वाला है वो न्यूज़ सुनकर। तो क्या है वो गुड न्यूज़, ये भी मैं आपको बताऊंगा वीडियो में आगे। तो चलिए फिर लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले स्टेप 1, हमें आ जाना है ChatGPT पर, और यहाँ से हम जनरेट करेंगे एक थ्रिलिंग और सस्पेंस वाली स्टोरी। तो मैंने इसे ये प्रॉम्प्ट दिया है, राइट अ हॉरर स्टोरी फॉर अ YouTube वीडियो, और साथ ही इसे सीन बाय सीन डिस्क्राइब करने भी बोल दिया है, और इमेज प्रॉम्प्ट भी हमें यहीं से ले लेना है। ये एग्जैक्ट प्रॉम्प्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से कॉपी कर सकते हैं। तो चलिए, अब हमें ChatGPT ने पूरी स्टोरी सीन बाय सीन क्रिएट करके दे दी है, और साथ ही हमें इमेज प्रॉम्प्ट्स भी यहाँ से मिल गए हैं। तो अब हम चलते हैं स्टेप 2 पर, जो है Leonardo.ai। अब इस पर अकाउंट कैसे बनाना है और लॉगिन कैसे करना है, ये मैंने इससे पहले वाली वीडियो में ऑलरेडी बता दिया है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर या ऊपर आई बटन में क्लिक करके वो वाली वीडियो भी देख सकते हैं। तो हमें होम पेज पर साइड बार में AI इमेज जनरेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है, और अब हम यहाँ से जनरेट करेंगे अपनी स्टोरी के लिए इमेजेस। तो ऊपर प्रॉम्प्ट बॉक्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब हम ChatGPT से फर्स्ट वाला इमेज प्रॉम्प्ट कॉपी करेंगे और यहाँ लियोनार्डो में इसे पेस्ट कर देंगे। इमेज स्टाइल में हम 3D एनिमेशन वाला ऑप्शन ही सेलेक्ट करेंगे और कोई दूसरा स्टाइल नहीं। इसके बाद साइड बार में जाके इमेज का एस्पेक्ट रेशियो 16:9 सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि हम YouTube के लिए वीडियो बना रहे हैं। अगर शॉर्ट्स या रील्स के लिए बनानी हो तो आप 9:16 भी सेलेक्ट कर सकते हैं। बस इसके बाद जनरेट पर क्लिक कर देना है, और अब हमें ये 4 इमेजेस जनरेट करके दे देगा विद इन 10 सेकेंड्स। तो ये देखिए, इसने हमें ये इमेजेस बना के दे दिए, और क्या ज़बरदस्त इमेजेस इसने बनाई है, लग रही है ना बिल्कुल स्केरी। अब इसमें से जो भी इमेजेस आपको पसंद है उसे आप डाउनलोड कर लीजिए, और उसके बाद फिर से हमें ChatGPT में आ जाना है और दूसरा वाला इमेज प्रॉम्प्ट कॉपी करना है, और उसे यहाँ पर फिर से प्रॉम्प्ट बॉक्स में पेस्ट कर देना है। लेकिन अब आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जो पहला वाला प्रॉम्प्ट है उसे आपको डिलीट नहीं करना है, बल्कि उसके आगे ही आपको दूसरा वाला प्रॉम्प्ट भी पेस्ट कर देना है, जिससे कि स्टोरी कंटिन्यूएशन में बनी रहे। इसके बाद साइड बार में आपको इमेज प्रॉम्प्ट वाले ऑप्शन में जाना है, और यहाँ पर आपको अपलोड इमेज वाला ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर आपको जो फर्स्ट वाली इमेज आपने डाउनलोड की थी उसे यहाँ पर अपलोड कर देना है। इससे इमेजेस की कंटिन्यूएशन बनी रहेगी टू सम एक्सटेंट, और एकदम से अलग इमेजेस जनरेट नहीं होगी हर सीन की, और इससे स्टोरी भी ऑथेंटिक लगेगी। एस्पेक्ट रेशियो 16:9 ही रहने देंगे, और अब जनरेट पर क्लिक कर देंगे। तो अब आप देख सकते हैं ये इमेजेस भी इसने जनरेट कर दी है, और काफ़ी हद तक ये फर्स्ट सीन से मिलती जुलती ही है। तो इस तरह आपको ये ट्रिक लगानी है हर सीन में इमेजेस जनरेट करने के लिए, वो भी सिमिलर हो, जो फर्स्ट सीन से बिल्कुल डिफरेंट ना हो। अब फिर से जो इमेज चाहिए उसे डाउनलोड कर लीजिए, और फिर ChatGPT में जाकर थर्ड वाला इमेज प्रॉम्प्ट कॉपी कीजिए और यहाँ प्रॉम्प्ट बॉक्स में पेश कर दीजिए। और अब इमेज प्रॉम्प्ट में आपको जो लास्ट इमेज आपने डाउनलोड की थी वो वाली इमेज ही अपलोड करनी है, ना कि फर्स्ट वाली। तो ये आपको हर सीन के लिए करना पड़ेगा, जो भी आपने लास्ट इमेज डाउनलोड की हो उसे ही अपलोड करना है, ना कि फर्स्ट वाली। और इस तरह एक एक करके आपको यहाँ पर सीन बाय सीन इमेजेस जनरेट करते जाना। अब अगर आप बोलेंगे कि 100% ओरिजिनल और फर्स्ट इमेज के जैसी सारी इमेजेस बने, वो भी 100%, तो वो फ्री ऑप्शन में पॉसिबल नहीं है। उसके लिए आपको मिड जर्नी का पेड सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, जहाँ से आपको क्लोजेस्ट मैचेस मिल सकते हैं स्टोरी के लिए। लेकिन फ्री में करना है तो ये ट्रिक से यूज करो, सबसे बेस्ट है। और लियोनार्डो की इमेज क्वालिटी भी बहुत ही बेहतरीन होती है, जैसा कि आप देख सकते हैं। आप इन इमेजेस को अपनी YouTube वीडियो के थंबनेल के लिए भी यूज कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया लगती है। चलिए, तो अब हमने सारी इमेजेस यहाँ से डाउनलोड कर ली है, अब हमारे पास सारे सीन्स के लिए मटेरियल तैयार है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर, जो है पिका लैब्स। तो यहाँ से हम बनाएंगे इमेज टू वीडियो। पिका लैब्स पर अकाउंट कैसे बनाना है, साइन अप कैसे करना है, इसके लिए लास्ट वीडियो देख लेना, डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में लिंक मिल जाएगा। अब आप में से बहुत लोग बोल रहे थे कि पिका लैब्स चल नहीं रहा है,
आपको पीका लैब्स में आके ये जनरेट वाले किसी भी ग्रुप में ज्वाइन करना है और तभी आप यहाँ से वीडियोस जनरेट कर पाएंगे। इसके अलावा आप कहीं भी रैंडम किसी और चीज़ पर क्लिक कर देंगे तो आप वीडियोस जनरेट नहीं कर पाएंगे। तो फिर नीचे ये प्रॉम्प्ट बॉक्स में आपको टाइप करना है /create और फिर टाइप करना है हॉरर स्टोरी, क्योंकि अभी हम हॉरर स्टोरी बना रहे हैं। अगर आप लव स्टोरी बना रहे हो तो आप टाइप करेंगे लव स्टोरी एंड अकॉर्डिंगली आप जो भी बना रहे हो वो आप टाइप करें और फिर ये +1 वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर आपको इमेज अपलोड करने का ऑप्शन मिलेगा, जिस पर आपको एक एक करके अपनी इमेजेस जो आपने लियोनार्डो से बनाई हैं उसे यहाँ पर आपको अपलोड करना है और फिर एंटर कर देना है और ये आपको वीडियोस जनरेट करके देता जाएगा। जब आपकी वीडियोस जनरेट हो जाएगी तो आपका बॉक्स अलग से हाईलाइटेड दिखेगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। आपको हर इमेज के लिए एक नया प्रॉम्प्ट देना है और फिर इमेज अपलोड करते जाना है और वीडियोस जनरेट कर लेना है और इस तरह आपको यहाँ से सारे सीन्स के लिए अपनी वीडियोस मिल जाएगी। और इस तरह सेम प्रोसेस अगर आप फॉलो करोगे तो आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर भी अगर आपको पीका लैब्स में कोई इशू आता है तो आप runway.ml यूज़ कर सकते हैं, मैंने उस पर भी ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है, उसका लिंक भी आपको ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आपके पास दोनों फ्री ऑप्शन है, जो चाहें आप वो यूज़ कर सकते हैं। चलिए तो अब हमारे पास वीडियोस भी आ गई है सारे सीन्स के लिए और हमने डाउनलोड भी कर लिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर जो है वॉइस ओवर। और अब आती है आप लोगों के लिए गुड न्यूज़। तो क्या है वो गुड न्यूज़? अब वॉइस ओवर के लिए मैं AI वॉइस का ही यूज़ करने वाला हूँ। तो मैं आ गया हूँ 11 लैब्स पर और आप भी अब AI वॉइसेस का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अब AI वॉइसेस को भी YouTube मोनेटाइज कर रहा है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप कोई भी AI वॉइस उठाकर उसे यूज़ करेंगे तो आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। इसके लिए आपको समझनी पड़ेगी पूरी लेटेस्ट YouTube मोनेटाइजेशन पॉलिसी। तो फ्राइडे वाली वीडियो ज़रूर से देख लेना, जिसमें मैं आपको हर चीज़ पूरी डिटेल्स के साथ बताऊँगा और पूरा एक्शन प्लान भी बताऊंगा और साथ साथ सारे प्रूफ्स भी दिखाऊंगा, जिसके बाद आपको यकीन हो जाएगा कि AI वॉइसेस आप मोनेटाइज हो रही है। तो डोंट मिस फ्राइडे वाली वीडियो। अब आते हैं वीडियो पर वापस। तो अगर आप हिंदी में वॉइस ओवर बना रहे हैं तो सबसे पहले ChatGPT में पूरी स्क्रिप्ट कॉपी कीजिए और गूगल ट्रांसलेट में जाकर हिंदी में उसे कन्वर्ट कर लीजिए और फिर 11 लैब्स पर उसे पेस्ट कर दीजिए हिंदी वाली स्क्रिप्ट और फिर जो भी वॉइस चाहिए वो यहाँ पर सेलेक्ट करके वॉइस ओवर जनरेट कर लीजिए और फिर यहाँ से उसे आप डाउनलोड कर लीजिए और बस अब वॉइस ओवर भी हमारे पास रेडी है। तो अब हमारे पास वीडियो भी रेडी है, वॉइस ओवर भी रेडी है। इन सारी चीज़ों को असेंबल करने के लिए हम चलते हैं फाइनल स्टेप पर, जो है canva.com। अब यहाँ पर सबसे पहले क्रिएट अ डिज़ाइन में क्लिक करके अपनी वीडियो का साइज सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद एक ब्लैंक कैनवास ओपन हो गया है। यहाँ पर साइड बार में अपलोड्स में जाकर सबसे पहले सारी वीडियोस यहाँ पर हम अपलोड कर देंगे और उसके बाद जो वॉइस ओवर है उसे भी हम यहाँ पर अपलोड कर देंगे। इसके बाद वीडियोस को एक एक करके डिज़ाइन में ऐड करते जाएंगे सीन बाय सीन के हिसाब से। जो भी सीक्वेंस है उस हिसाब से आप सीन बाय सीन ऐड कर लीजिए और पूरी वीडियोज़ ऐड कर लेने के बाद कर्सर को बिल्कुल स्टार्टिंग में ले जाएंगे और अब जो वॉइस ओवर है उसे भी यहाँ पर ऐड कर देंगे। अब वीडियोज़ में अभी पीका लैब्स का वाटरमार्क आपको दिख रहा होगा, उसे भी आप यहाँ पर क्रॉप करके हटा सकते हैं। क्रॉप करने के बाद आप वीडियो को थोड़ा सा इनलार्ज कर लीजिए, जिससे वाटरमार्क भी गायब हो जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसके अलावा जैसा कि मैंने फर्स्ट पार्ट में भी बताया था कि अगर वीडियो की लेंथ आप बढ़ाना चाहते हैं अपने वॉइस ओवर के साथ सिंक करने के लिए, तो ऊपर प्लेबैक में क्लिक करके आप वीडियो की स्पीड कम कर सकते हैं, जिससे कि लेंथ बढ़ जाएगी, वीडियो लंबी हो जाएगी और वॉइस ओवर के साथ आपकी वीडियो सिंक भी हो जाएगी। ये सारे ऑप्शंस का यूज़ आप कैनवा में ही कर सकते हैं। अब फाइनली कर्सर को बिल्कुल स्टार्टिंग में ले जाएंगे और अब इसमें हम ऐड कर देंगे एक सस्पेंस या हॉरर या थ्रिल से भरपूर म्यूजिक। आपको ये म्यूजिक कहाँ से मिलेगा फ्री में, इसके लिए ऊपर आई बटन वाले वीडियो पर क्लिक करके देख लेना इस वीडियो के बाद। चलिए तो अब ये वीडियो पूरी तरह से रेडी है, इसे डाउनलोड कर लेते हैं और मैं आपको अब ये प्ले करके भी दिखा देता हूँ। बस अकेले में मत देखना वरना फिर, और फ्राइडे वाली वीडियो बिल्कुल भी मिस मत करना, आपके सारे मोनेटाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन का आंसर आपको मिलने वाला है। चलो नाउ यू कैन एंजॉय द वीडियो। एक रात मेन हाईवे में ट्रैफिक से बचने के लिए मैंने जंगलों के बीच से एक शॉर्टकट रास्ता अपनाया था। ये एक ऐसा निर्णय था जिसका मुझे अब पछतावा है। ऐसा लग रहा था कि सड़क हमेशा के लिए लंबी हो गई है और मुझे संदेह होने लगा कि क्या मैंने सही रास्ता चुना है। रास्ते पर एक आदमी भी नहीं, बस अंधकार ही अंधकार था। रात एकदम काली थी और हवा पेड़ों के बीच से मातम की तरह गूंज रही थी।
घने जंगल के बीच घुमावदार सड़क पर चलते हुए मैंने स्टीयरिंग व्हील पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। एकमात्र रोशनी मेरी कार की हेडलाइट से आ रही थी, जो पेड़ों के बीच खतरनाक रूप से नृत्य कर रही भयानक छायाएं डाल रही थी। हर गुजरते रास्ते के साथ मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा और बेचैनी बढ़ाती गई। अचानक मुझे सामने रोशनी की एक हल्की सी किरण दिखाई दी। जैसे ही मुझे लगा कि मैं एक गैस स्टेशन या एक छोटे शहर में पहुंच गया हूं, तो मुझ पर राहत की लहर दौड़ गई। मैं तेजी से उसकी ओर बढ़ा, लेकिन जैसे जैसे मैं करीब आया, मेरा दिल बैठ गया। प्रकाश किसी गैस स्टेशन से नहीं आ रहा था, ये एक कांटेदार पेड़ पर लटका हुआ एक अकेला लालटेन था। तभी मैंने अपने पीछे एक सरसराहट की आवाज सुनी। मैं इधर उधर घूमता रहा, मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। तभी मैंने छाया से उभरती एक आकृति सामने देखी। वह एक बूढ़ा आदमी था जिसका मुंह बहुत ही डरावना दिख रहा था, और वो मेरी तरफ आ रहा था। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने गाड़ी को रिवर्स में जितनी तेजी से हो सके चलाया और वहां से निकल गया।